बसमिल्लर आर्म्स असल वरम्व वबरकू मकसूद ख़म चैनल की तरफ से दोस्तों आज हम इस वीडियो में हज़रत अली बिन उस्मान अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमुल्ल अ के फरमुदात बयान करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को आल पर क्लिक करें ताकि मेरी हार आने वाली वीडियो आपको मिल सके हज़रत अली बिन उस्मान अलारूफ दाता गंज बख्श रहमतल्ला ने फ़रमाया हर चीज़ की जक़त है और घर की ज़क़ात मेहमान खाना है दरवेश वो है जो अमीरों से रगबत ना रखे दूसरों के खातर कुर्बानी देने वाले हमेशा ज़िंदा तबिंदा रहते हैं सब नबी वली होते हैं मगर अलिया में से कोई नबी नहीं हो सकता तोबा स्तफार से राय हक की तलाश में मदद मिलती है इलम के बगैर अमल का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ तुम्हारा जाना बेवकूफ़ी है आलिम और जाहल में एक ही फ़र्क है कि आलिम हर बात गौर फिक्र के बाद करता है जबकि जाहल आदमी सुनी सुनाई बात बयान करता है रोज़ा आदि तरीकत है दरवेश वो है जो हर हाल में गैरुल्ला से तलक ना रखे और ना उम्मीद उस्ताद का हक ज़ाया करने वाला फला नहीं पा सकता हराम भी खाता है और मुसलमान भी कहलाता है साहिब इलम वो है जो अपने आप को हकीर जाने और दूसरों को अरफाओला रूज इलम यह है कि तू कह उठे कि मैं बहुत हकीर हूँ अल्लाह की फरमाबरदारी से आदमी मौत के बाद भी जिंदा ही रहता है क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों के दिलों को ज़िंदा रखता है आरफ आलम भी होता है मगर यह ज़रूरी नहीं कि आलिम आरफ भी हो सूफी कहलाने के लिए किताब सुन्नत की पैरवी अश्द ज़रूरी है अपने नफ्स को खुश करने के लिए अगर तुम कुछ करोगे तो बरकत से महरूम रह जाओगे अपने माल की दुरुस्ती के लिए इल्म हासिल करो काहल फ़कीर गाफल अमीर और जाहल दरवेश की सोबत से बचो इस मुल्क पर तबाही है जिसका हुक्मरान दीन की समझ ना रखता हो तमाम अलूम दुनिया सीखना इंसान पर फर्ज नहीं जिस तरह गुस्सा अकल को खा जाता है इसी तरह जूठ रिजक को खा जाता है मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हम इन फरमुदात को सीख कर इन पर अमल करें ताकि हम दुनिया और आखरत दोनों में कामयाब हो सकें आमीन सुम्मा आमीन खुश रहें खुशियां बांटें दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें असलिक वरह वर्क